और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि भाजपा कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से पूछना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव की दृष्टि से घोषणा की है कि जेकेएनसी की सरकार आने पर धारा 370 को समाप्त कर दिया जाएगा, तो 35A को समाप्त कर दिया जाएगा। साथ ही कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से समझौता किया है तो वो इस बात को स्पष्ट करे कि वो धारा 370 और 35A को दोबारा लागू करने के पक्ष में क्या कहते हैं। साथ ही पूछा कि जेकेएनसी के साथ समझौता करके कांग्रेस यह स्पष्ट करे कि जो पाकिस्तान के साथ ट्रेड खोलने की बात, पाकिस्तान के साथ वार्ता की बात और जेकेएनसी ने की है, क्या कांग्रेस और राहुल गांधी उसके समर्थन में है, इसे भी स्पष्ट करने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से और श्री राहुल गांधी जी से चंद सवालात पूछना चाहती है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव की दृष्टि से घोषणा की है कि जेकेएनसी की सरकार आने पर धारा 370 को समाप्त कर दिया जाएगा, 35A को समाप्त कर दिया जाएगा और कांग्रेस पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से समझौता किया है, तो वो इस बात को स्पष्ट करें कि धारा 370 और 35A को दोबारा से लागू करने के वो पक्ष में है क्या, और धारा 370 हटा करके जो वहाँ का वातावरण शांति प्रिय हुआ है, आतंक समाप्त हो करके विकास की पटरी पर जम्मू कश्मीर आगे बढ़ा है, क्या उसको वो वापस लाना चाहते हैं। जेकेएनसी के साथ समझौता करके कांग्रेस ये स्पष्ट करे कि जो पाकिस्तान के साथ ट्रेड खोलने की बात, पाकिस्तान के साथ वार्ता की बात वो जेकेएनसी ने की है, क्या कांग्रेस और राहुल जी उसके समर्थन में हैं, इसको भी वो स्पष्ट करें। और पत्थरबाजी जिन्होंने की